व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने पड़े हुई हैं बड़ी बड़ी मिर्चें और इन पर लगाया है मैंने मसाला। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मिर्चों के पकौड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेगा। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग मिर्चों के पकोड़े बना रहे हैं, तो आपको पता है पकोड़े बेसन के बगैर बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हमने बेसन ऐड किया है, तकरीबन 2 कप बेसन। और गाइस, जो मिर्चों के पकोड़े होते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये हमारे घर में सबके फेवरेट हैं और ये वाकई में बहुत मज़े के होते हैं। एंड यू गाइस मस्ट ट्राई दिस आउट। ओके गाइस, अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो इसमें डाली है वो है चावलों का आटा, जो कि हम लोगों ने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। चावलों का आटा डालने का मकसद इसको क्रंचीपन देना है। अब जो दूसरी चीज़ हम लोग डाल रहे हैं वो है बेकिंग सोडा, जो कि हम लोगों ने 1/2 टेबलस्पून डाला है। और इसका मकसद आप सबको पता ही होगा कि इसका जो मतलब कि किसी चीज़ को अगर फर्मेंट करना है या फुलाना है, तो उसके लिए जो है बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ होता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन जो है या ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना चाहें तो मत डालिए, लेकिन ये हाजमे के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जब कोई ऑयली चीज़ बन रही हो तो लाजमी उसमें अजवाइन डाला करें। ओके, अब 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। ओके गाइस, हम तमाम मसालों को जो खुश्क ड्राई मसाले हैं उन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं अपने बेसन के साथ और अपने चावलों के आटे के साथ। और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे अपने बेसन वाले अमेजे के अंदर और इसको एक मिक्सचर बना लेंगे, जिस तरह हम लोग पकौड़ों के लिए अपना मिक्सचर बनाते हैं सेम वैसे ही। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी में शामिल करती जाऊँगी जब तक एक अच्छा सा पकौड़ों वाला अमेजा जो है वो रेडी नहीं हो जाता। तो थोड़ा सा ये मतलब कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि ना तो ये गाढ़ा हो और ना ही पतला हो, ठीक है। तो मैंने मज़ीद पानी शामिल किया है और अब मैं देख रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपका जो अमेजा है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो आप उस सूरत में अपना जो है बेसन थोड़ा ज़्यादा डाल लें। और अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको मज़ीद उसकी कंसिस्टेंसी को बेटर आप कर सकते हैं। हमारे ज़बरदस्त सा जो बेसन का जो अमेजा है वो रेडी हो चुका है और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। ओके गाइस, हमने 250 ग्राम के आसपास अपनी मिर्चें ली हैं और अब हम इन मिर्चों का क्या करेंगे कि हम एक मिर्च लेंगे, उसको दरमियान से हम एक कट लगा देंगे और तमाम बाकी मिर्चों का भी यही करेंगे। और इन मिर्चों का क्या है कि अंदर से जो इसका गूदा है, जो मतलब इसके बीज वगैरह हैं, उनको हम निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर हम अपनी जो कीमा है उसकी फिलिंग कर सकें। कीमे के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि कीमा जो है हम लोगों ने कल बनाया था भुना हुआ, तो उन्हें उसकी मैं फिलिंग करने लगी हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस कीमे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ उसको कॉमेंट बॉक्स में हमें मैंशन कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको कीमा बनाना भी सिखाएंगे। तो चलिए, जब सारे मिर्चों के कट लगाने के बाद मिलते हैं फिर। गाइस, हम लोगों की मिर्चों में अब कट लग चुका है और आप देख सकते हैं ये मेरे पास भुना हुआ कीमा थोड़ा सा बचा हुआ था 1 पाव के करीब, और अब हम उसकी फिलिंग कर रहे हैं अपने मिर्चों के अंदर। मिर्चें भी तकरीबन हमारे पास 250 ग्राम के आसपास ही हैं और चलिए फिर मिलते हैं इनकी फिलिंग के बाद। गाइस, हम लोगों ने जो मिर्चें अपने कीमे के साथ भरी थी उनको अब हम डिप कर रहे हैं अपने इस मसाले के अंदर जो बेसन का था, और उसको अच्छे तरीके से डिप करेंगे यहाँ तक कि वो अच्छे तरीके से उसके साथ घुल मिल जाए।
और इसी तरह बाकियों को भी हम लोग अपने बाउल में डालेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जब ये सारी तैयार हो जाती हैं फ्राई होने के लिए। हमने क्या किया है कि हमारी जो आंच है वो है मीडियम टू हाई और हमने यहाँ पे एक कप तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए मिलते हैं तेल के गर्म होने के बाद। तो हम लोगों ने डिप करने के बाद अब हम उसको अपने तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए ये तेल बिल्कुल गर्म था, बिल्कुल ज़बरदस्त आंच हो गई थी। तो हम लोगों ने जिस तरह पकौड़े तलने के लिए तेल जिस तरह हम लोगों को चाहिए होता है सेम वैसे ही था। और अब अपनी मिर्ची जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। तो गाइस जब तक इनका ब्राउन एक साइड से जब ब्राउन होता है मैं आपको दिखाती हूँ फिर किस तरह का कलर आता है। और थोड़ा सा ये ब्राउन जब हो जाता है तो हम उसको पलट लेंगे और दूसरी साइड का फिर आपको दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है गोल्डन सा हमारा एक साइड का, हम लोगों ने पलटा दिया है। अब जैसे ही दूसरे साइड का ये रंग आता है तो आपको दिखाते हैं फिर। तो चलिए मिलते हैं तमाम मिर्चों को फ्राई करने के बाद। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको ये मिर्चों के पकोड़े हमारे पसंद आएंगे। गाइस बनाएं लिटरली आपको बहुत पसंद आएंगे ये, चाहें तो आप चपाती के साथ खाएं, दाल बनाएं और साथ मिर्च के पकोड़े बनाएं, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली इन्हें किसको अलहदा ही खाया जाए। तो चलिए गाइस मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलूँगी मज़े मज़े की चटखारे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों से प्यार करिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।